Hello children, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic where do microorganisms live from the chapter microorganisms. So बच्चों आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं ये पूरा चैप्टर कम से कम 9 to 10 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगी, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, मुझसे जुड़े रहिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लिव. ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं? हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है? हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं मिलेगा. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लिव. सो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया एंड सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं. दैट मीन्स दे हैव वन सेल, सिंगल सेल होता है इनके पास, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गी हो गए एंड प्रोटोजोआ. दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना कि नेम सम सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. तो ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर में है सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई, ये हो गए मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. नाउ दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स. तो ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे तो आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स हों या फिर डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स. तो ये हर जगह पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज़म्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे होते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है? और कुछ जो होते हैं वो एग्जिस्ट फ्रीली, वो एकदम फ्रीली पाए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड अस. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, और फ्रेंड मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फ्रेंड एंड फू, ठीक है? अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हम लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं, आइदर फ्रेंड और आइदर फो, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो हमारे लिए बहुत ही काम के होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ जो होते हैं हमें नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि हमें डिजीजेज कॉज करते हैं. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. अब सबके बारे हम डिटेल से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि हमारे लिए बेनिफिट हैं, विच आर बेनिफिशियल फॉर अस. अब चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. नंबर वन, अब ये सब रे पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपके माइंड में होने चाहिए कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और किस तरह से ये हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. नंबर वन, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. Now, microorganisms are used for various purposes. And microorganisms बहुत तरीके से हमारे life में काम आते हैं. They are used in preparation of curd, bread and cake. तो microorganisms काम किस तरीके से use करते हैं? Curd के जो curd बनता है, अब आपकी मम्मी क्या करती हैं? आपने देखा होगा कि थोड़ी सी वो कर्ड रख देती हैं जिसको कि हम जामन या जोरन के नाम से जानते हैं, और फिर क्या करती हैं आपकी मम्मा, हल्का सा दूध गर्म करती हैं और फिर एक बोल में उस जामन को स्प्रेड करती हैं, और फिर वो थोड़ा सा लूक वॉर्म जो मिल्क होता है उसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करके उसको साइड में रख देती हैं, और फिर नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग हम लोग क्या देखते हैं कि कर्ड जमी हुई है. तो ये कर्ड किस वजह से जमती है? ये बैक्टीरिया की वजह से जमती है. कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि मिल्क को कर्ड में वो कन्वर्ट कर देता है. तो ये जो बैक्टीरिया हुआ हमारा, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहा है जिसको कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस. और हम एल्कोहल को बनाने में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का ही
काम होता है, ठीक है। और क्या क्या ये बनाता है? ब्रेड, ब्रेड में भी हम देखते हैं ईस्ट डलती है, तो ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। केक, केक में भी जो है क्या किसकी वजह से बनता है? ये सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है। आपकी मम्मी डोसा बनाती हैं, ठीक है, रात में उसको छोड़ देती हैं फर्मेंटेशन के लिए, और सुबह देखते हैं कि जो डोसा है वो डबल हो जाता है उसका बैटर। क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट कर रखा है, ठीक है। भटूरे बनते हैं आपके घर में, आप देखते होंगे मम्मी मैदा गूंद, उसमें थोड़ी सी कर्ड डाल के मैदा गूंद के कुछ आवर्स के लिए छोड़ देती हैं, और कुछ समय के बाद हम देखते हैं जो हम आपकी मम्मी ने जो आटा गूंदा था मैदे का, भटूरे का, वो कुछ समय के बाद फूल जाता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन होता है और उसकी क्वांटिटी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी वो काम आते हैं। कैसे आते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। अब ऑर्गेनिक वेस्ट क्या क्या? वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, पीसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। अब कुछ जो फालतू फालतू चीज़ें जो घर से निकलती हैं, वेजिटेबल पील्स होती हैं, एनिमल एक्सक्रेटा, ये सब होता है, इन सब में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको ये मतलब कि ये जो बेकार का जो प्रोडक्ट है उसको ये यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, यानी कि उसको वो खाद बना देते हैं, मैन्योर बना देते हैं, जो कि वो यूज़ हो, तो फार्मर्स उसको यूज़ कर सकते हैं या गार्डनर भी उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। रिकॉल द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसन्स। अब मेडिसन्स, बहुत सी ऐसी मेडिसन्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनती है। अब जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था एक फंजाई थी पेनिसिलियम, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब मेडिसन में यूज़ होती हैं। In agriculture, they are also used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अब हम देख सकते हैं, हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा और अभी हम ये आगे भी पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन प्लांट जो लेता है वो डायरेक्ट जो है, जो है नहीं लेता है नाइट्रोजन, प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, उसमें जो है सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर उसको जो है मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को वो सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो प्लांट उसको लेता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल में ही ब्रेक करता है नाइट्रोजन को, तो जिस वजह से सॉइल में नाइट्रोजन हमको मिल जाता है जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। आई होप सो इतना आपको आ गया समझ में। अब हम लोग आगे चलते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कर्ड और ब्रेड में किस तरह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। अब इसमें बोला, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। अब कर्ड में क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम जामन भी बोल सकते हैं, जो थोड़ा सा जो कर्ड हमारा बच गया जिसको कि हम जमाएंगे, जिससे हम फ्रेश कर्ड उसकी हम बात कर, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल आपको बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें से एक जो होता है बैक्टीरियम कौन सा, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो कि इसी के एक्शन से जो है हमारा मिल्क में अगर हम थोड़ा सा कर्ड डालेंगे तो हमारा जो पूरा मिल्क है वो नेक्स्ट डे कर्ड में चेंज हो जाएगा, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होगा। अगर कर्ड में लैक्टोबैसिलस है, और कर्ड में तो लैक्टोबैसिलस होता है, तो इसी की वजह से जो मिल्क जो है हमारा पूरा कर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ओके। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़। अब बैक्टीरिया से और क्या बनता है, चीज़, ठीक है, क्या बनेगा, चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स बनते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड बतूराज इन कर्ड, और ये सारी भी चीज़ें जो है इसमें
हमारा बैक्टीरिया काम करता है. कैन यू गेस व्हाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर. ठीक है, अब इसमें बोला है कि बैक्टीरिया और ईस्ट जो हैं वो भी कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हेल्पफुल होते हैं हमारे फर्मेंटेशन में, राइस और इडली, ये राइस और डोसा का बैटर बनाने में किस तरह से बैक्टीरिया और ईस्ट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, एक्टिविटी 2.3. ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या लिखा है. टेक हाफ के जी फ्लोर. अब इसमें बोला है आपको क्या करना है, हाफ के जी फ्लोर लेना है, आटा या मैदा. एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर. अब उसमें आप शुगर मिक्स करिए और फिर इसको पूरा वार्म वाटर से मिक्स कर लीजिए. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो. अब इसी में आप थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल देंगे. ठीक है, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल देंगे और उसको नीट करके एक सॉफ्ट डो बना लेंगे. What do you observe after 2 hours? Do you find the dough rising? अब 2 hours के बाद आप क्या देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो डो है आपका थोड़ा सा राइस कर गया है. ठीक है, अब क्या हम देखते हैं कि ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अब क्यों ये डबल हो जाता है, क्या रीज़न है, रीज़न बिहाइंड दिस क्यों होता है, तो क्या रीज़न है. ईस्ट ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में. ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अब जो ईस्ट होता है वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और इस कंडीशन में ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा. तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. तो बबल्स जो हैं वो आपके डो में भर जाएंगे और जिस वजह से जो है आपका जो डो है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, यानी कि ईस्ट जब रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ठीक है, तो अब जिस वजह से जो है इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी. दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री और मेकिंग ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक्स. तो इस वजह से जो है ईस्ट को यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में. ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉमर्शियल यूज़. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहा है फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. ओके, तो ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. ईस्ट का क्या यूज़ हो रहा है, फॉर द यूज़ ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा. ठीक है, और अब इस पर्पज़ के लिए ईस्ट को कहाँ पे ग्रोन किया जाता है, ऑन द नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस. ठीक है, अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. टेक अ 500 ml बीकर, फिल अप टू 3-fold विथ वाटर. अब हमें क्या करना है, 5 ml बीकर लेना है और उस बीकर को हमें 3/4 जो है पानी से भर देना है. डिजॉल्व 2-3 spoons ऑफ शुगर इन इट. अब उसमें हमें क्या करना है, 2-3 spoons ऑफ शुगर डिजॉल्व करना है. अब एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट, और फिर हमको ईस्ट डाल देना है, हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन. और उस शुगर सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, ईस्ट पाउडर डाल देना है. कीप इट कवर्ड इन अ वॉर्म प्लेस फॉर 4-5 hours. अब उसको हमें एक वॉर्म प्लेस में 4-5 hours के लिए रख देना है. नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल. अब हम उस आफ्टर 4-5 hours के बाद हम उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, स्मेल करेंगे. जब हम स्मेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम व्हाट डू वी गेट,
दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल बाय ईस्ट। तो हमें किसकी स्मेल मिलेगी? एल्कोहल की स्मेल मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी? क्योंकि जब हमने ईस्ट डाला था तो ईस्ट के रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, जो शुगर है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का क्या है डेफिनेशन, ये क्या है इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस यानी कि कौन सा प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर का एल्कोहल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसको डिस्कवर कौन किया था फर्मेंटेशन को, तो लुइस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो ये आप लोग को बहुत अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। अगर आपके स्कूल के पेपर्स में MCQ आता है तो इसमें ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन या फर्मेंट किसने डिस्कवर किया या कब डिस्कवर हुआ, ये पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो चिल्ड्रन आज यहीं पे हम लोग अपना इस वीडियो को एंड करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये वीडियो मैं 9 to 10 लेक्चर्स में लूँगी, तो ये हमारा आज का ये सेकेंड लेक्चर है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस टॉपिक को कम्प्लीट करूँगी। ओके, तो चिल्ड्रन इसी के साथ अपना ये वीडियो एंड करते हैं। एंड इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर्स सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।